आज देश में पांचवें चरण के मतदान हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। झांसी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने मतदान किया और मीडिया कर्मियों से बात कर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने जनता के बीच जाकर मतदाताओं से बात की और उनका रुझान जाना। देखिए, हम माँ की शरण में गए, बाबा के दर्शन किए और हम जहाँ भी गए वहाँ हमें लगा कि लोग प्रदीप जैन आदित्य बन के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग मुझसे कह रहे हो कि आप आ जाइए, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए कोई जनप्रतिनिधि अगर खामोश रहता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। प्यासे आदमी की बद्दुआ, भूख से तड़पते आदमी के पेट की रोटियों की आग और छटपटाते हुए व्यक्तियों की बिजली के अभाव में जो पीड़ा होती है वो सब परिवर्तन की ओर ले जा रही है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से समस्याएं को सामने आ रही है, आज भी कई जगह ऐसी? तो वैसे देखिए, ये बहुत ही गलत है। कल रात के हम गए थे भोजला में, हमने ऑब्जर्वर को भी अवगत कराया। 17C फार्म जब EVM में वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसमें लिख जाता है, उसके बाद उस पर साइन कराए जाते हैं। लेकिन आपने जो पोलिंग एजेंट है उससे पहले साइन करा लिए, इलेक्शन एजेंट के साइन नहीं मांग रहे। हमने ऑब्जर्वर जी से कहा, उन्होंने शायद उसको हटाया। लेकिन ये पूरे लोकसभा के अंदर है, चिरगांव के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को घरों से नहीं निकले जाने दिया जाता, किसी को लाल कार्ड दे दिया, किसी को फोन करके एक हमारे सोजना मेहरौनी के रजक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बदलने वालों से टकराने का मादा रखते थे, हमारे पोलिंग एजेंट बने थे, उनको दम दी गई, उनके परिवार वालों को। मौजूद है हम झांसी के जवाहर पब्लिक स्कूल पर, जहां पांचवें चरण का मतदान जारी है। देखा जा रहा है यहाँ लोगों में, जनता में काफी उत्साह है। हर समाज का व्यक्ति यहाँ बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लेने को तैयार है। आज हम उन लोगों से बात करते हैं जो अभी मतदान करके आए। भैया, आप क्या नाम है आपका? जितेंद्र मोहबिया। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। किस मुद्दे को लेके, किस चीज को लेके आज आपने मतदान किया? जो हमारे साथ अच्छा करेगा उसी को वोट डालेंगे। उसी को वोट डालेंगे, तो आपका उद्देश्य है जो भला करेगा उसी के लिए वोट डालेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? सीमा। बहन जी, आपने क्या सोच कर मतदान किया है आज? क्या नाम है आपका? दयापति। दयापति जी, आज आपने वोट डाला है, आपको कैसा लगा वोट डाल के, किस चीज के लिए वोट किया? हमें अच्छा लगा और जिसने हमें संजोग दिया, सब कुछ दिया, उसको डाला। और भी हमारे साथ लोग, आपने माता जी को डाला है? हाँ, डाला है। क्या सोच के वोट किया आपने? ये सोचा है कि जैसे अपने बच्चे, इनका भविष्य है, इसलिए मैंने वोट डाला कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डाला मैंने, जो अच्छा करेगा मेरे बच्चों के लिए उसी को। तो ये मतदाता है या इनका कहना है कि जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा करेगा हम उसके लिए मतदान कर रहे हैं। अब देखिए मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को नजर आ रहा है। मतदाताओं के पैर में फ्रैक्चर है, व्हील चेयर से मतदान करने आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका मतदान करने का उद्देश्य क्या है और उन्होंने क्यों वोट डाला। क्या नाम है आपका? असलम खान। असलम जी, आज आपने वोट डाला है, आपके पैर में फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, व्हील चेयर पे हैं। किस उद्देश्य से वोट डाला, क्या मकसद है आपका वोट डालने का? नहीं तो वोट तो डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है, तो डाल दिया वोट। वोट डालना क्यों जरूरी है? जरूरी है वोट डालना, क्या है? देश की तरक्की, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की। आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि सभी लोग वोट डालने जाएं, सभी लोग वोट डालने जाएं। और भी साथ चाचा है, चाचा क्या नाम है आपका? भगत नाम है। आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। आपने किस मकसद से वोट किया है आज? हमने वोट डाला है, सबसे कहेंगे वोट डालें, एक अच्छी सरकार बने, अच्छी सुविधा मिले और अच्छा विकास हो। अच्छा विकास। और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं, हमारे साथ साथी हैं, देखते हैं। भाई साहब, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाल दिया। नाम है आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आज आपने मतदान किया है, पांचवें चरण का मतदान है, क्या सोचकर, किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? मुद्दे पर ये विकास के लिए किया है, थोड़ा नौकरी वोकरी की भी व्यवस्था हो जाए, बच्चे जो पढ़े लिखे हुए हैं, आज की जनरेशन परेशान है, उनके लिए कुछ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या अभी आपको लगता है नौकरी नहीं है? नहीं है वो नौकरी, घर में सारे ही हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं है, प्राइवेट ही काम करते हैं। मतलब आज आपने जो वोट किया है वो बेरोजगारी को, वो बेरोजगारी दूर करने के लिए बिल्कुल से किया हुआ है। माता जी, आप वोट डाले हैं क्या? क्या नाम है आपका? राम कुमारी साहू। आज आपने वोट डाला है, क्या सोच के वोट डाला है? ये सोच के डाला है, सब लोग तरक्की करें, उन्नति पे पहुंचे, बच्चे लिख पढ़ जाएं, घर की परेशानियां दूर हो जाएं।
अच्छा और क्या। तो ये महिलाएं और भी मुस्लिम महिलाएं जिनसे बात करना चाहेंगे, आपने वोट डाल दिया, क्या नाम है आपका? हमारा चंद नाम है। आज आपने जो वोट डाला है किस मुद्दे को लेके, किस बात को लेके मतदान किया है आपने? ये सब अच्छे भाईचारे रहे और क्या है बात है, हैं? और बस सस्ता ही हो जाए और परेशानी गरीबों की दूर हो जाए। मतलब आप मान के चल रहे हैं महंगाई सस्ता होना चाहिए? हाँ, हाँ, और क्या। तो ये थे वो मतदाता जिनका कहना है कि महंगाई है, बेरोजगार हैं, है उनको मतलब बजे ही है और क्या है, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, उनका कहना है। इसी को लेके महिलाएं पुरुष मतदान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ जो विकलांग है वो भी मतदान कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अभी इस तरीके के मतदान करने के लिए और कितने लोग आते हैं। इस चीज पर बराबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नजर बनाए हुए है।